हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने वी के जायसवाल बुक के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में हमसे बोल रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट द फर्स्ट वन इज लार्ज इन साइज देन सेकेंड। पहली बात तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो और जो पहली स्पीसीज हो उसका साइज बड़ा हो इन कंपेरिजन टू अदर स्पीसीज के। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भी आप इसका ऑप्शन डी या ऑप्शन ए तो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं। इस एस टू माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 10 है और इसमें 18 है। अब ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें जैसे जैसे देखो, आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो रेडियस का ऑर्डर होता है, किसका ऑर्डर होता है, रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/ एटॉमिक नंबर के। अगर दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करो यहाँ पे तो आप बताओ, अब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एटॉमिक नंबर किसका छोटा है, सल्फर का, तो इसका रेडियस बड़ा होना चाहिए, यानी इसमें सल्फर का रेडियस बड़ा होगा ना कि क्लोरीन का। क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले वाले का रेडियस बड़ा हो, तो ये भी नहीं हो सकता। जरा इसको चेक करते हैं, ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर छोटा है तो इसका रेडियस बड़ा है, इसका मतलब यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 18 में हमसे बोल रखा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज ऑफ N3- Na+ F- Mg2+ एंड O2- इज। जो अभी ये ट्रिक बताई, ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं आपकी, तो इसमें भी एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक रेडियस जो होगा वो कैसे हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा उसका साइज सबसे बड़ा, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसका साइज सबसे छोटा। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, N3- का, इसीलिए इसका साइज सबसे बड़ा है, और सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, Mg2+ का, तो इसका साइज सबसे कम है। इस हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन सी सेट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखिए कहीं यहाँ पे गलती दे रखी है, कभी यहाँ पे और कभी इस तरीके से, तो ये सब ऑर्डर में इरेगुलरिटीज है, इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 में हमसे बोल रखा है कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस इन द फॉलोइंग इज। मेरी आपको एक स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है, क्वेश्चन 19 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 16 करके आ जाएं। ठीक है, इसी का जो जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो है जिसमें हमने क्वेश्चन 16 को एक्सप्लेन किया है, हमने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारी पूरी रिकमेंडेशन है आप पहले क्वेश्चन 16 देखाएं, उसमें हमने बहुत अच्छे से ट्रिक को एक्सप्लेन कर रखा है, वही ट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे क्वेश्चन 19 में करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्वेश्चन 16 में आपका ये वाली ट्रिक देखी थी कि कैसे हम चीज़ों को रेडियस को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। ये हमने आपको क्वेश्चन 16 के अंदर बहुत अच्छे से ये समझाया था कि किस तरह से हो सकता है। अगर आपको ये ऑर्डर अच्छे से याद है और अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑप्शन डी है 19 का, वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो पहले देख लें, आपको ऑटोमेटिकली फिर ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 में बोल रखा है कि इफ द आयोनिक रेडियस ऑफ K+ एंड F- आर नियरली द सेम देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ। ठीक है, आपको उनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर एक्सप्लेन करना है। अगर आप पोटेशियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और अगर आप F- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2p तक जा रहा है, यहाँ पे कितने तक जा रहा है, वो 3p तक जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जिसमें 3p आएगा उसका साइज बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू क्या हो जाएगा, 2p वाले से। तो इसीलिए जो भी ऑर्डर दे रखे हैं अगर आप उसको ध्यान से देखो तो K+ का साइज बड़ा होना चाहिए और F- का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसा अगर आप कहीं पे ऑर्डर देखना चाहेंगे तो ऑप्शन आपको सी में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 1.96 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पे 0.72। यहाँ पे देखिए उल्टा कर दे रहा है, यहाँ पे दोनों बराबर कर दे रहा है, और यहाँ पे एक का 1.34 और एक पॉइंट 1.96 एंगस्ट्रॉम। ऐसा नहीं होगा, नियरली द सेम, ये किसका दे रखा होगा, इन बिटवीन किसी का दे रखा होगा, तो इसीलिए आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे आपके। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लीजिए, आप पहले ये किसका दे रखा है, आयनिक रेडियस दे रखा है ना। आपको क्या पूछा गया था, के और एफ का साइज पूछा गया था, तो पोटेशियम का साइज इससे तो बड़ा ही होगा ठीक है, और एफ माइनस का साइज ओरिजिनल फ्लोरीन से तो छोटा ही होगा। समझ में आ रहा है आपको? देखो अगर मैं आपसे पूछूं साइज कंपैरिजन एफ और एफ माइनस में, तो ऑब्वियस ही बात है एफ माइनस का साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू एफ, तो 1.34 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 1.34 से इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो उससे छोटी वैल्यू 0.72 एंगस्ट्रॉम है। और इसमें क्या पूछा था, के वर्सेस के प्लस का पूछ रखा था, तो के का साइज बड़ा होना चाहिए के प्लस से, यानी 1.34 से के की वैल्यू ज़्यादा ही आनी चाहिए, तो इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन दे रखा था, 1.96 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों वैल्यू हो गई जिसकी वजह से हमारा ऐसा आंसर देखने को आपको मिल गया ठीक है। ये लॉजिक भी काम कर जाएगा और ये वाला लॉजिक भी काम आपका कर जाएगा, दोनों से आप क्वेश्चन को कर सकते हो ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे वीके जायसवाल के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो उसका आप कॉमेंट में मैंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।